नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। किसान साथियों, आज हम हरदा मध्य प्रदेश के एक खेत में यहां पर आए हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह कश्मीरी रेड एप्पल बेर का बगीचा है, बागवानी खेती है। और वर्तमान समय में अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें तो इस बेर का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा है और इसमें भी जो रेड है, रेड एप्पल बेर, ये पूरे भारत में वर्तमान में बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है और किसानों की पहली चॉइस है। तो सबसे पहले इस खेत के किसान मित्र हमारे साथ है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अजय भरद्वाज है, हरदा मुक्कर निवासी हूँ। अजय जी, ये जो कश्मीरी रेड एप्पल का जो बेर है, क्योंकि पूरे हरदा जिले की अगर हम बात करें तो मैं एकमात्र यही बगीचा है, क्योंकि दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बेर है, आपको लगाने का आइडिया कैसे आया? ये बेर मुझे लगाने का आइडिया यूट्यूब पे देखकर आया, थोड़ा सा जानकारी उठा कर फिर लगाया इसको। जी, तो जब पहली बार ये आइडिया आया और आपने लगाया, तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लगा कि तो ये अपने क्षेत्र में नया है और इसकी खेती कैसे करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है? रिक्स तो बहुत लगा मेरे को, जब भी मेरे हिम्मत करके मैंने कोशिश करके देखो लगा। अजय जी, चूँकि आपने एप्पल बेर पहली बार पूरे हरदा जिले के किसानों में आपने लगाई है, तो आपको भी पता नहीं होगा कि इसमें जब लगाएंगे हम पौधे तो इसका डिस्टेंस क्या रखना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब ये पौधे लगाए हैं तो इसका डिस्टेंस क्या रखा है? जब मैंने पौधे लगाए थे 10x10 का रखा था डिस्टेंस में। 10x10 का, 10 लंबाई और 10 चौड़ाई। 10 चौड़ाई जी। तो अभी ये जो पौधे हैं ये कितने सालों के हो चुके हैं और आपने कब लगाए थे? ये चौथा साल है। चौथा साल, 2020 में? हाँ, 2020-21 की बात है। तो लगाने के बाद इसमें जो अगर हम फ्रूटिंग की बात करें, यानी कि पहली हार्वेस्टिंग, तो आपने कितने सालों बाद इसमें लेना चालू किया? पहली हार्वेस्टिंग तो ये मान के चलो आपकी लगाने के 6 महीने बाद से चालू, अगर सही समय पे लगाओ। जैसे मैंने जून में लगाया था, फरवरी में तो पहली मिल गई थी उसको हार्वेस्टिंग, उसमें कम मिली थी जी। देने को तो पहले साल से चालू हो जाती है। अच्छा, तो मैं हमारे देखने वाले जैसे जानना चाहेंगे कि चूंकि एप्पल वेयर क्योंकि हर कहीं तो इसका पौधा मिलता नहीं, तो आपको इसकी उपलब्धता कैसे हुई कि आप खेत तक यहाँ ले आए और लगाए? मैंने कलकत्ता से बुलवाया था। कैसे बुलवाया आपने? ट्रेन द्वारा बुलवाया था जी। तो जब आपने 4 साल पहले ये पौधा बुलवाया तो इसमें एक पौधा आपको किस दर में पड़ा? एक पौधा ये मान के 75 रुपये का पड़ा था, लागत सही आने सही पूरा 100 रुपये का हो जाता, वो 95-100 का पड़ता है जी। अब हम बात करते हैं ये जो बेर है, तो ये कौन सी वैरायटी के बेर है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे काफ़ी पौधे दिखाई दे रहे हैं, और अगर इनकी वैरायटी की बात करें तो ये कौन सी वैरायटी है? क्योंकि रेड एप्पल बेर तो है लेकिन उसमें भी शायद अलग अलग वैरायटी होती है। ये गोल रेड एप्पल बेर का पौधा है जी। आपके पास टोटल कितनी वैरायटी के यहाँ पौधे लगे? 4 वैरायटी के पौधे लगे हुए। कौन कौन से, थोड़ा सा हमारे कैमरे के सामने देख के बताइए। रेड एप्पल, हाँ, और ये भी रेड एप्पल है गोल वाले जी, और एक सीडलेस एप्पल जी, और एक ग्रीन एप्पल और बाल सुंदरी एप्पल जी। 4 हुए। ग्रीन को हटा दो, 4 रेड कलर के हैं। ग्रीन को हटा के 4 4। तो इसमें अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये कौन सी वैरायटी है, थोड़ा सा विस्तार बताया देखने वाले को। गोल है ये, गोल रेड एप्पल है, इसका साइज गोल होता है जी। और ये वाले जो पौधे लगे हुए ये लंबे होते हैं। घुमाइए। अच्छा, ये जो पौधा टोटल, हाँ, इसका जो फल है गोल होता, गोल है होता, रेड होता, इसका जो फल है वो थोड़ा सा लंबा होता है। हाँ, इसका पौधा लंबा हो, फल लंबा होता है जी। और तीसरे वैरायटी की बात करें, तीसरी कौन सी है? बाल सुंदरी। बाल सुंदरी, ये आपने कहा कि ये बाल सुंदरी है, तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये बहुत ज्यादा मीठा होता है, इस पर कलर कम आता है रेड जी, बट मिठास में शक्कर जैसा मीठा होता है और गोल साइज का होता है जी। जी जी, इसका फल बहुत मीठा होता है जी। बिकने में ये तो सामान्य से दिखेगा लेकिन इसकी मिठास है वो भरपूर होती है। ठीक है, अगर आपने खाया है तो आपको पता है, तो ये वाला चूंकि बहुत मीठा है तो आप चॉइस कर लेंगे, लेकिन यदि हमने नहीं खाया तो शायद हम पसंद ना करें। ठीक है अजय जी, ये वाली वेरायटी चूंकि इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और थोड़ा सा अन्य पौधों की तुलना में अगर हम बात करें तो ये अलग दिखाई दे रहा है, तो ये वेरायटी क्या है? और सीडलेस एप्पल बेर का पौधा है जी, इसमें गुठली नहीं होती है जी, ये इसके बेर। और ये मधुमक्खी अट्रैक्ट करने के लिए पौधा खेतों में लगाना बहुत ज़रूरी है, आपके बगीचे में 1-2 पौधे लगना बहुत ज़रूरी है इसके जी। और इसकी क्या खासियत है इसके अलावा, जैसे मधुमक्खियों के लिए तो हम ठीक है परागकण फैला सकते हैं, हाँ, जिससे कि हमारी जो फ्रूटिंग है अच्छे से होगी जी। और इसका टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट कैसा? खटमिट्टा आता, मीठा पकने पर मीठा लगता है, थोड़ा
खटमिट्ठा टाइप में है, मतलब मीठा भी नहीं है, थोड़ा साइज कम आता फूल, मगर ये पौधा लगाना जरूरी है। तो ये भी दूसरी बेर की तरह नॉर्मल मतलब सिंगल सिंगल लगते हैं कि ग्रुप में लगते हैं? नहीं, ये अंगूर के झुके में लगता है। अच्छा, एक ग्रुप यानी झुंड में लगता है? झुंड में लगता है, पूरे झुके में। हाँ जी, लेकिन अगर इसको लगाते हैं तो हमारे जो पौधे में जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग जो परागकण को फैलाने का काम मधुमक्खी करती थी, वो ज्यादा होती है, उससे वो ज्यादा हो जाता, फैल जाता है जी। इसमें बीज की साइज अगर सीडलेस आप कह रहे हैं तो बीज होता ही नहीं कि थोड़ा बहुत होता है छोटा नहीं, बड़ा? इसको आप बेर को आप चक्कू से काट लो, उसमें सेवफल का जो बीज होता है ना, बिल्कुल वैसा बीज निकलता है, आप खा भी लो पता भी नहीं चलेगा जी। अजय जी, आपने ये जो पौधे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल कलकत्ता से बुलवाया है और उसके बाद पहली बार लगा है, तो जब आप जिस भी जगह से बुलाया तो वहाँ के भाई लोगों ने आपको बताया होगा कि इस तरीके से लगाना है, तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि इन पौधों को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी था और आपने उसका पालन किया? लगाते समय तो सर ऐसा है कि इसको मिनिमम कम से कम आपको 20 दिन तो गड्ढा खोद के रखना पड़ेगा आपको लगाने से पहले। एक बाई एक का खोद लें, एक बाई डेढ़ का खोद लें, गड्ढा खोद के मट्टी बाहर निकाल दें उसकी जी। और एक 20 दिन इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो फंगस है जमीन के अंदर का वो खत्म हो जाए, फिर आप उसके अंदर गोबर खाद मिला लें और फंगीसाइड मिला लो, फंगीसाइड फफूंदनाशक मिला लो, डाइकोडर्मा मिला लें और दीमक की दवाई जरूर मिला लें। मिला के उसको मिक्स करके गड्ढे को आप मूंद दें, 10 दिन के लिए पानी डाल के छोड़ दें। उसके बाद पौधा लगाने के बाद पौधा लगाते टाइम वापसी खोदे फिर लगा दें पौधा, उसमें आपका पौधा मरेगा नहीं, स्वस्थ जी। तो जो गड्ढा अपन खोदेंगे उसकी लंबाई थोड़ा कितनी रखेंगे? मान के चलो आपकी 1x1.5 का या 1x1 का भी चलेगा जी, मिनिमम 1x1 तो होना ठीक है। क्योंकि हमारी ये जो लोकेशन है मध्य प्रदेश का हरदा जिला है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ के किसान उन किसानों में ये किसान हमारे अजय भारद्वाज जी हैं, आपने पहली बार लगाया, तो लगाने के बाद आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि चूंकि फसल नहीं है बागवानी की, ठीक है, बाकी आसपास ना तो किसी किसान ने लगाया ना उनका कोई प्रैक्टिकली अनुभव रहा, तो आपने जब लगाया तो लगाने के बाद आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? लगाने के बाद सर मुझे तो सिर्फ इसमें दवाई कौन सी देना है, दवाई की सबसे बड़ी दिक्कत पड़ी जी। हरदा में दुकान वाले के पास जाओ भी इसकी दवाई बतला तो वो बोलता भैया बेर की दवाई हम कहाँ से बतलाएं जी, इसकी दवाई कौन सी आएगी उससे पूछो जहाँ से लाए, सामने वाले को जो दवाई पूछो तो वो बोले कि भैया हमारे इधर ये मिलती तुम इधर पता करो, इधर वो मिलने को तैयार नहीं जी। बहुत ढूंढ के फिर जाके कहीं इसका कुछ धीरे धीरे करके 2 साल लगे, 3 साल में इसकी पूरी दवाई का इलाज मेरे को मिला, कौन सी दवाई कब डालना है, जब जाके कहीं इसका परमानेंट काम हुआ जी। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि इसमें मेन रूप से आपको दवाइयों की काफ़ी परेशानी आई है कि कौन सी दवा इस पर स्प्रे करें, तो अगर हम बात करें तो इसमें किस किस प्रकार की यानी कि कौन कौन सी दवाओं को स्प्रे करने की जरूरत पड़ी है, यानी कि बीमारियां कौन कौन सी आई है? सबसे पहले तो इसमें बीमारी फंगस सबसे पहले आएगा पौधे पे फंगस की बीमारी सबसे पहले होती है जी। अगर आपका फंगस कंट्रोल हो गया तो पौधा स्वस्थ है, अगर आपका फंगस कंट्रोल नहीं हुआ तो फूल आपका लगेगा वो ड्राप हो जाएगा पूरा फूल जी। फंगस उसके बाद आपका ईल जी, इसमें ईल बहुत तेज लगती है जी, पर ईल आपने कंट्रोल कर लिए तो ठीक है, नहीं तो बहुत बाद में दिक्कत पड़ती है। इसमें ईल किस प्रकार की होती है थोड़ा सा अगर हमें तो बताइए आप, थोड़ा सा पास में बताइए आप, मतलब क्या पत्तियों में लगती है कि फूल में या फल में ईल, मतलब ये जानना चाह रहा हूँ मैं। ईल जो स्टेम जो लगेगी वो पत्ती में लगेगी। अच्छा, फल खाने वाली ईल अलग आती है, फल खाने वाली ईल तो पत्तियों को खाने के बाद क्या पत्तियाँ गिर जाती है? नहीं, ये पत्ती खा के तो बहुत ज्यादा खा जाती है जी। एक बीमारी जो इस पर सबसे ज्यादा आती है वो किसानों को भी नहीं मालूम है, उसके लिए मैं रात भर जगा हूँ उसके लिए। अच्छा, ये कीड़ा आता है, वो कीड़ा पत्ते को ही खाता है? नहीं, वो कीड़ा सीधी इतनी डगान खा जाएगा। अच्छा, वो रात में आता है। कुछ कीड़े जो होते हैं पत्तियों को खाते हैं, कुछ कीड़े जो है इल्लियां जो है वो पूरी ऐसी लंबी लंबी जो ऊपर की ब्रांचेस है उसको ही खा जाता है। वो रात में आता कीड़ा, उसके लिए मैं रात में जागा उसके लिए, जब स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं मालूम जी, मैं सुबह आके बगीचा देखूं तो ये यहाँ से कटा मिले जी, सब झाड़ के दगान कर दिया मिला, दिन में तो देख के गया सही था, शाम को रात भर में क्या हुआ। एक बार मैं टार्च लेके रात में फिर रुका जी 8-10 बजे तक, उसको बाद देखा तो वो कीड़ा रात में आके इतनी इतनी दगान खा के चले जाए जी। फिर मेरे को इसका इलाज नहीं समझ में आया, मैं रात दुकान वाले को बोला तो बोलता कि कहाँ की दवाई दूँ मैं, कौन सा कीड़ा आके खा रहा कीड़ा दिखाओ। फिर मैं उसके लिए रात में कीड़े को पकड़ा, एक पन्नी में भरा, इतने सारे कीड़े रात भर पकड़ा कीड़े, उनको टार्च दिखा दिखा के जी। अब मैंने फिर यूट्यूब पर उसको सर्च करा कि कीड़ा है कौन सा जी। अब मेरे को फिर पता चला कि ये कीड़ा इससे मरेगा, फिर मैंने दुकान वाले से दवाई पूछा, दवाई डाला बस एक बार रात में डाला दवाई कि रात में आता रात में डाल दो जी, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ा उसका,
फिर वो एक दवाई अच्छी मिली मेरे को, उसके बाद दिन में डाल दो तो उसका 24 घंटे तक असर रहता है जी। तो रात में खा कर कीड़ा तुरंत मर के जमीन पे गिर जाता है। बहुत बीमारी का इलाज मिला मेरे को तब, पिछले साल से फिर ठीक था। ठीक है, और किस किस मतलब और कौन कौन सी बीमारी आती है जिसमें दवाओं की हमें जरूरत पड़ती है? इसमें बस ये आपके एक हीलमार आपको बहुत जरूरी है, समय पे पत्ते को खाता है। हाँ, फूल फ्लावरिंग से पहले पहले जी, फ्लावरिंग पे तो आपको एक डेढ़ महीना कुछ भी नहीं डाल सकते, वरी आपको हील दिख भी रही है तो भी मत डालो जी, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा जी। और फंगस, अगर आपने फंगस कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको ये फूल पूरा ड्राफ हो जाएंगे जी। फूल लगे ना पूरा फूल ड्राफ हो जाएगा, फल भी अभी फल आएगा ना तो फल भी पीला पल के जितना भी फल आएगा सब गिर जाएगा जी, तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। अगर हम आज की बात करें तो आज 20 सितंबर 2024 का दिन है, ठीक है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ इसमें काफ़ी फ्लावरिंग चल रही है, अच्छी देख रहे हैं आप ये पूरा भी पूरा, ठीक है। तो अगर हम इस समय की बात करें तो क्या इस समय हमें किसी दवा की जरूरत नहीं, है? नहीं नहीं, अभी आपको एक महीने तो कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर किसी कारण जैसे पत्ते में बहुत ज्यादा आ गई है तो वो दवा हम कब स्प्रे करेंगे? अगर आपको अब ज्यादा दिख रहा है कि आपको में फंगस है और ईल ज्यादा ही लग गई है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसमें से। अच्छा, सिर्फ नीम ऑयल और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते जी। आपका जब फल 50% बन जाए, हाँ 40 से 50% फल बन जाए जी, ये फल आपके 50 से करीब बन जाए उस टाइम आप इसको फंगिसाइड ईल मार दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। टॉनिक का भी, इसमें टॉनिक आप जो इस टाइम दे सकते हो उसके अंदर जी, टॉनिक कोई सा भी दे सकते हैं। ठीक है, हम अगर इस पौधे को लगाने के समय की बात करें तो हमें, चूंकि ये हरदा ज़िला है तो हरदा के किसानों के लिए हम बात करें या पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए हम बात करें तो इसको लगाने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है और उस समय को हम चयन क्यों करते हैं? इसका लगाने का बेस्ट समय जनवरी फरवरी का है। अच्छा, जनवरी फरवरी में लगाना चाहिए। जनवरी फरवरी में लगाएंगे ना तो ये झाड़ आते आते पूरा एक साल का हो जाएगा, एक साल हो जाएगा मतलब आपका जितनी लागत है हाँ। वो एक साल में आपकी लागत बाहर आ जाएगी। अच्छा, अगर आप जनवरी फरवरी में लगाओ पूरा एक साल का पौधा हो जाएगा, एक साल में इतना फल दे देगा कि आपकी साल भर की लागत वापसी जाएगी जी। तो अगर हम जनवरी फरवरी में इसका पौधा लगाते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि फ्लावर जो फ्रूटिंग है वो कब चालू हो जाएगी? फ्रूटिंग आपकी यही फरवरी में चालू हो जाएगी, मतलब फरवरी जनवरी फरवरी में लगा अगली जो जनवरी जनवरी फरवरी चालू हो जाएगी, आपका इतना फ्रूट निकलेगा कि आपका एक साल में इसका पूरी लागत पूरी वसूल हो जाएगी आपकी जी, लागत से भी ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हर पौधे के आजू बाजू में इस प्रकार से आप बांस का सपोर्ट दिया है प्लस ये रस्सी बांध रखी है, तो ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? सर इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है जब इसके ऊपर फल आएगा तो ये रस्सी भी बंधी है, ये सपोर्ट के तौर पर बांध दी है और दोनों तरफ है दोनों साइड। ठीक है, इसके ऊपर जब फल आएगा हाँ। तो इतना वजन आएगा कि जमीन से झाड़ टूटने लगते हैं जी, तो उसको रोकने के लिए रस्सी रोक लेती है ये रस्सी जी, जिसका वजन रोक लेती है, बाकी ये दूसरी रस्सी यहाँ बंधी है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पास तक कर दीजिए ये वाली जो रस्सी है। अच्छा, ये डगान आपकी इतनी भरा जाएगी टूटने से बच जाएगा। अच्छा, यानी कि जो ब्रांच के मेन सपोर्ट के लिए ये वाली हाँ, रस्सी एक दूसरे को जकड़ के रखेगी और जब ये फल बैठ जाएंगे तो ये रस्सी वजन पे आजू बाजू झुकाओ को सपोर्ट देने के लिए ये रस्सी और ये बांस का डंडा है जी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो बेर का जो मेन तना है उसको आपने कटाई की हुई है, तो ये हमें कब करने की जरूरत पड़ती है और कब कब जरूरत पड़ती है? जैसे ये नीचे कटे हुए हैं सारे पौधे लगभग वैसे ही है जी हाँ, ये आपको हर साल काटना पड़ेगा अगर आप। ठीक है, वो और भी आगे दिखाइए, ये और भी कटे हुए हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? आप थोड़ा सा इसका विस्तृत फायदा बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं। इसका काटना इसलिए जरूरी है कि हाँ, अगर इसको काटेंगे नहीं हाँ, तो आपका नेक्स्ट ईयर इसमें फ्लावरिंग उतनी ना फल उतना नहीं लगेगा, झाड़ बहुत बड़ा हो जाएगा जी। आप सोचोगे कि झाड़ बड़ा कर लें हाँ, और फल ज्यादा ले लें तो नहीं आएगा, इसकी जो फल बैठेगा वो नई साकाई पे लगता है जी। इसकी इसको आपको हर साल इसकी कटिंग करना ही पड़ेगा जी। तो जो जैसे आपने ये कटिंग की हुई है ठीक है, तो नीचे से हम कितना ऊपर मतलब नीचे से आप उसको एक फीट आधा फीट मिनिमम एक फीट करीब समझ लो आप, जब इसका हर साल का अलग है, जब पहली बार काटोगे ना आप उसको हाँ, पहले साल में तो उसको आधा फीट ऊपर से काटो, आधा फीट पहला साल जब आपका रहेगा, फर्स्ट साल काटना तो हर साल ही पड़ेगा आधा फीट हाइट बढ़ाना, तो थोड़ा सा हाइट मिनिमम एक से डेढ़ फीट इससे ज्यादा हाइट नहीं, फिर आपको ऐसा लगने लगे तो आप बीच में से काट सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं शाखा निकल जाएगी। अच्छा, यानी कि जब पहली बार आप अच्छा ये कटिंग कब करते हैं हम ये भी बताइए आप? कटिंग इसकी अप्रैल मई में, यानी कि जो फ्लावरिंग उसमें जो हम हार्वेस्टिंग फलों की पूरी तरह ले चुके हैं हाँ, उसके पश्चात उसके बाद आप उसको
लेने के बाद 15 दिन 20 दिन महीना भर पौधे को छोड़ना पड़ेगा जी। पौधा छोड़ दें आप उसको, हाँ पौधा रेस्ट ले लें जी, उसके बाद आप इसकी अप्रैल मई में कटिंग कर दें, तो ये जून का जैसे पानी लगेगा उसमें जी आपका झाड़ तैयार हो जाएगा, 4 महीने वैसे हो जाएगा जैसे आपने काटे थे। अच्छा, तो इसमें कटिंग के पश्चात और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि पानी या खाद? नहीं नहीं, या इसको ऐसा कुछ भी नहीं देना। इसकी कटिंग का यही है कि कटिंग सिर्फ उसके तिरछी होना चाहिए। अच्छा, तिरछी होनी चाहिए। हाँ, कटिंग 90 डिग्री पे सिर्फ तिरछी होना। अच्छा, ये कटिंग का ऐसे किया अपन ने, ये कटर मशीन से जी। ठीक है, तो देखने वाले किसान साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि जब आप कटिंग करते हैं, और ये पहली बात आपको कटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि जब हम हार्वेस्टिंग ले चुके हैं इसके फल होगी, तो उसके करीब 1.5 महीने बाद हम इसकी कटिंग करते हैं, और पहले साल की कटिंग में लगभग आधा फीट का हम हाइट देते हैं, उसके बाद अगले साल थोड़ा सा और हाइट देते हैं, ऐसे करते करते थोड़ा सा हाइट हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे ये यहाँ से कटा था, यहाँ से होगा, अब इसको नेक्स्ट बार अब ये कटिंग होगी यहाँ से हो जी 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 जी, तो यहाँ से नई शाखा तैयार हो जाएगी जी। और ठीक है, और जैसे ये पौधा है तो इसका हम जो एक हाइट देते हैं, ठीक है, तो इसका हम सबसे बेस्ट हाइट क्या मान सकते हैं, ताकि हमको फ्लावरिंग में, फ्लावरिंग के बाद जैसे दवा स्प्रे करते हैं प्लस इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं, तो किसी प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि आपका तो चूंकि ये प्रैक्टिकल अनुभव है, तो इसमें सबसे बेस्ट हाइट क्या रखी जानी चाहिए? जैसे आपका पौधा 10-12 फीट का हो गया है, ठीक है, तो ये आपका पौधा 10-12 फीट का यहाँ से हो गया है, हाँ, तो उसके ऊपर से ट्रिप तोड़ दो जी, ऊपर से, ऊपर से ट्रिप उसकी तोड़ दो, यहाँ से इतनी ऐसे करके तोड़ दो, तो झाड़ बढ़ना बंद कर देगा जी, फैलना चालू कर देगा जी, तो झाड़ वही के वही फैल जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि आपको तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़े, झाड़ सिर्फ फैलेगा आपका, अगर ऊपर से तोड़ेंगे नहीं तो झाड़ बहुत लंबी हाइट पकड़ लेगा, तो आपको तोड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। अब ये जितने दिख रहे हैं ना, ये सब वजन आके ये सब नीचे आ जाएंगे जी। और ठीक है, जैसे ही आपने कहा कि जब हाइट ज़्यादा ले रहा हो तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रूट फल कम बैठेंगे, तो ऊपर से अपने को तोड़ना है, हाँ। लेकिन ये तोड़ने का कोई निर्धारित समय होता होगा कि हमें कौन से महीने में तोड़ना है? नहीं, आपका झाड़ की हाइट के ऊपर समझ लो आप, कि आपका झाड़ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, हर जगह अलग अलग स्पीड से झाड़ बढ़ता है जी। नहीं, जैसे इस समय अगर ये फ्लावरिंग आ गई तो क्या अभी अगर हम तोड़ना चाहें तो इस समय तोड़ सकते हैं? इस टाइम नहीं तोड़ सकते, फ्लावरिंग से पहले पहले आप तोड़ सकते हो, तो सितंबर में फ्लावरिंग आती है तो उसके आप 15 दिन 20 दिन महीना भर पहले भी तोड़ सकते हो, महीना भर पहले समझ लो आप उसको तोड़ सकते हो। तो जैसे ये फ्लावरिंग से पहले आप तोड़ने की कह रहे हैं, तो अगर हम इसकी फ्लावरिंग की बात करें तो अभी तो हमें मुझे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग दिखाई दे रही है और आप भी देख पा रहे होंगे कैमरे में, तो ये फ्लावरिंग कब आना चालू हो जाती है पौधे में? फ्लावरिंग सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इसकी हाइट अगर पहले हमको जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसको ऊपर से हमको ये नोक तोड़नी है, तो सितंबर के पहले ही तोड़ना पड़ेगा? सितंबर से पहले, सितंबर उसकी ड्रिप टूटी हुई है, वो वाला पौधा दिख रहा है जी जी जी, ऊपर से तोड़ी हुई तो वहाँ से नई शाखा निकल गई है, बढ़ना बंद हो गया आपको जी जी जी, नई नई शाखा फूट के उसमें फूल आ जाएंगे, आगे बढ़ना रुक गया आपको वहाँ से जी, हाइट लेके अपन ने तोड़ दी ऊपर से जी। और ठीक है अजय जी, अगर हम बात करें जैसे रेड एप्पल वेयर और ग्रीन एप्पल वेयर, तो दोनों में बेस्ट कौन सी वेयर कहलाएगी? क्योंकि इसमें हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जिसमें दोनों वेयर में, एक तो खर्चा किसमें कम है और दूसरा मंडियों की अगर भाव की बात करें तो दोनों में से सबसे अच्छा भाव कौन से वेयर का है? खर्चा वेयर दोनों देखा जाए तो दोनों ठीक है, मगर ग्रीन पुरानी हो चुकी है जी, रेड एप्पल नई वैरायटी है ये जी। इसमें मिठास बहुत ज़्यादा है, तो आप खाओगे तो आपको लगेगा सेवफल खा रहे हैं जी, उस सेवफल का स्वाद आएगा जी। ग्रीन का रेट और ये इसके रेट में 10-15 रुपए का फर्क चलता है जी, वो मार्केट में 20-25 रुपए किलो बिकती है, हाँ। ये 35-30-40 रुपए के बीच में बिकती है जी। थोक भाव में बता रहा हूँ मैं आपको, मंडी का रेट ये रेट चलता है उसमें, उसमें वो एक महीना पहले ख़त्म होती है, ये एक महीना ज़्यादा चलती है। अच्छा, इसका मतलब कि जो ड्यूरेशन है फल देने की वो ज़्यादा समय तक चलती, ज़्यादा समय तक चलती, उसके बाद आती है और लंबे समय चलती है ना, कि आप फरवरी, ये फरवरी में चालू होती है और मार्च तक चलती है। अच्छा, और वो जनवरी में स्टार्ट हो जाती है और फरवरी एंड तक ख़त्म हो जाती है जी, वो पहले ख़त्म होती है, सबसे आखिरी में यही रेड एप्पल ही ख़त्म होती है, तो इसका मार्केट में पोजीशन भी अच्छी रहती है। अच्छा, अगर हम फलों की बात करें तो इसमें फल साइज अगर वजन वाइज हम देखें तो क्या एवरेज वजन रहता है इनके फलों? वजन इसका 40 ग्राम से लेके 70-80 ग्राम तक होता है जी, 40 से 70-80 ग्राम तक का होता है।
तो किसान साथियों मैं कहना चाहूँगा कि वैसे भी आपने सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, तो इसका कलर काफ़ी लुभावना होता है जो कि हर ग्राहक को अपनी ओर सहज आकर्षित करता है। और उसके पश्चात थोड़ा सा टेस्ट की भी बात करें और इसके जो फूल और फल देने का जो समय है उस बैर की तुलना में ज़्यादा होता है, मैं सही कह रहा हूँ? अजय मालवीय जी, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि इन पौधों को जब आपने लगाया है तो जो डिस्टेंस रखा पौधे से पौधे के बीच में वो 10 फीट रखा, प्लस चौड़ाई भी 10 फीट रखी है, ठीक है, आपने ऐसा कहा। तो आपका जो 4 साल का प्रैक्टिकली जो अनुभव है, आप इसकी जो बागवानी करते करते आपको 4 वर्ष हो चुके हैं, तो इसमें आपको जो 10x10 फीट की डिस्टेंस या दूरी रखी है उसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी हुई या नहीं हुई है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये सबसे उच्च दर्जे की दूरी है और यही रखना चाहिए, यह सही है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। माल बेचने वाले हो ना, आपको बोलेंगे 8x8 में लगा लो जी, 8x10 में लगा लो, मगर वो गलत है जी। इसका डिस्टेंस कम से कम आपको 15x20 का होना, 15x20 का पौधे से पौधा 15 फीट होना और तो, दो लाइन के बीच की दूरी, दो लाइन 20 फीट होनी जी। इसके पीछे का कारण, झाड़ बहुत फैलता है, आपको समझने आपको तोड़ने में इतनी दिक्कत होती है जी, बहुत परेशानी आती है तोड़ने में जी। तो मेरा कहना है कि 15x20 मिनट सबसे अच्छी वो है जी। पौधे भले कम लगे मगर डिस्टेंस आपका झाड़ भी अच्छा फैलेगा, ग्रोथ भी अच्छा करेगा, फल भी अच्छा देगा। और जितना पास करोगे, जितना झाड़ लगाने के सोचोगे, उसमें आपका फल भी कम मिलेगा और तोड़ने में परेशानी भी आएगी, आपका मजदूर लेबर भी आपसे काम करने से मना कर देगी जी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दो लाइन है, आपसे भी चाहूँगा कि एक लाइन ये है, इधर दिखाइए, और दूसरी लाइन ये है, यहाँ पर आपको दो लाइन के बीच में कम से कम 15 फीट का गेप, 15-16 फीट का गेप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ये जाली लगी हुई है और ये सपोर्ट के तौर पर बांस गड़ा हुआ और यहाँ पर ये कीड़ा लगा हुआ है। तो अजय वाधवा जी से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले क्या पेड़ थे या कुछ और था, ये क्या है? हाँ सर, इसमें पहले बेर की लाइन लगी थी मेरी। अच्छा, यहाँ पर पौधे ही लगे थे? हाँ, इसमें भी बेर के पौधे लगे थे जब मैंने स्टार्टिंग में लगाया था जी। पर तोड़ने में और जब बेर फैली जी, जो इतनी दिक्कत हुई तोड़ने में कि मैं परेशान हो गया, आखिर से मुझे एक लाइन कम करनी पड़ी इसमें से जी। अब जाके 20x20 फीट चौड़ा हो गया वो बगीचा, उसके बाद भी फल लेते लेते दोनों मिक्स जाएं, और मिक्स मिल जाएंगे जी। और जब बीच में लगा था तो क्या कंडीशन थी, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी जी। तो किसान साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो डिस्टेंस अगर आप किसी नर्सरी से लेते हैं तो सब नर्सरी वाले थोड़े से अलग अलग दूरी आपको बताएंगे। कोई बताएगा कि 8x10 का लगाइए, कोई बताएगा कि 10x10 का लगाइए, लेकिन इनका जो प्रैक्टिकली अनुभव है उसके आधार पर ये कह रहा है कि 15x20 में लगाइए तो ये सर्वश्रेष्ठ और औसत दूरी है जो कि उच्च दर्जे की है। इससे क्या है कि आपका पौधा जब ग्रोथ और हाइट लेता है, बढ़ता है, ठीक है, तो जब ये बढ़ेगा और जब इसकी फ्रूटिंग आएगी, यानी जब हार्वेस्टिंग होगी, तो लगभग दोनों तरफ की जो शाखाएँ मिल जाएगी। और अगर बीच में भी अगर हम कम डिस्टेंस पर पौधा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जब हम इसके फल तोड़ेंगे तो तोड़ने में प्लस दवाओं के स्प्रे करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना होगा। बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अब चूंकि पौधा है, बागवानी फसल है, तो क्या इसमें किसी प्रकार की खाद की भी ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप अगर केमिकल से कर रहे थे, इसके अंदर आपको DAP, पोटास, माइक्रोनीटेन ये देना पड़ेगा जी। अगर 1 साल का पौधा है तो आपको 1 kg देना पड़ेगा, 2 साल का है तो 1.5 kg से 2 kg देना पड़ेगा, 3 साल को उस हिसाब से उसको 2 से 3 kg खाद पूरा राउंड बना के देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा बताइए कि ये खाद हमको कब कब देने की जरूरत पड़ती है, साल में एक बार, दो बार, ये आपको खाद आपको सितंबर से 1 महीना पहले, साल में एक बार नहीं, हाँ एक अभी फ्लावरिंग से पहले और फ्रूटिंग जब आपका साइज बनेगा उस टाइम 2 बार सिर्फ खाद देना पड़ता है। अच्छा, तो थोड़ा डिस्टेंस बता दीजिए, कितनी दूर पे का राउंड शेप में देना पड़ता है? राउंड शेप में देना पड़ता है, यहाँ से हम मान के चलो झाड़ की ये है 2-3 फीट दूर से, 2 से 2.5 फीट हो गई मेन पौधे से। हाँ, ये यहाँ से अपन ने खाद दी है पहले अभी इसको, हाँ, फिर पूरा राउंड में खाद डली है। तो एक पौधे पे अगर हम बात करें तो पहले साल में कितना खाद पहली बार में देना होता है? एक पौधा है आप पहले साल का है तो उसमें तो आपको 250-300 ग्राम का चल जाएगा, ठीक है, पहले साल जब का है। हाँ, उसके बाद अगर 1 साल बाद का होगा तो 0.5 kg से लेके 1 kg तक आप पूरे में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी 4th साल चल रहा है इन पौधों को, तो अभी आपने ये सितंबर चल रहा है, एक बार आप खाद दे चुके हो, 2 kg खाद इसमें दिला हुआ है अभी सितंबर के पहले। जी हाँ, सितंबर से पहले। ठीक है, और आप दूसरी बार कब देंगे? दूसरी बार देंगे इसके अंदर दिसंबर
दिसंबर के टाइम में देंगे। ठीक है, तो 2 किलो एक बार आप दे चुके हैं और दिसंबर के एंड में फिर कितना? हाँ, 1-2 किलो बस वही वही हिसाब से दे देंगे इसको। ठीक है, और जिन जिन खादों का मिक्सअप है एक बार प्लस और बता दीजिए कौन कौन सा खाद देना है इसमें। DAP, पोटास, सिंगल सुपरफास्ट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं। तो ठीक है, और जिसमें जिंक बोरान ये सब आ जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट में वो दे दें आप। ठीक है, और यहाँ पर इसमें ये ड्रिप लाइन भी आपने हर पौधे पे लगा रखी है, तो इसमें पानी हमें कब देने की जरूरत पड़ती है? पानी अभी तो बारिश का टाइम नहीं, बारिश के टाइम में अभी कोई जरूरत नहीं पानी की। हाँ, पानी की जरूरत इसको आपको पड़ेगी कि सब हर जगह की जमीन अलग अलग होती है। आपकी बारिश नहीं हुई तो फ्लावरिंग से पहले देख ली जमीन सूखी तो पानी थोड़ा देना जरूरी है। अगर झाड़ पूरे सूख गया, जमीन पूरी सूखी, तो आपका फुल ड्राप हो जाएगा। अगर बारिश 15 दिन 20 दिन महीना भर नहीं हुई, थोड़ा पानी छोड़ना पड़ता है उसमें। नमी हर पौधे पे नमी बनी होना जरूरी है, ज्यादा भी नहीं हो कम भी नहीं हो। ठीक है, यानी कि जब भी आपको लगे कि जमीन सूख रही है तो उसमें पानी आप चालू कर दीजिए। अगर जब जमीन में ज्यादा पानी भी हो गया और पानी रुक गया तो फूल पूरा ड्राप हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके प्रति पौधे फल की। तो अगर हम पहले साल में अगर इसकी हार्वेस्टिंग ले रहे हैं तो एक पौधे से एवरेज हमको कितना फल मिलता है? पहले साल का अगर आपका एक साल का पौधा है, आपका फ्रूट आपने सही से केयर करा है उसकी, तो 20 किलो मिनिमम आपको मिल जाए पहले साल में मिल जाए। ठीक है, और अगर दूसरे साल की बात करें तो आपने दूसरे साल में क्या लिया? अगर प्रति पौधा एवरेज अपन उत्पादन की बात करें दूसरे साल में, इसमें वो इसका थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता, 30 किलो 40 किलो। जी, इस साल आपका चौथा साल है। इस साल आपको क्या अनुमान है, मतलब क्या उम्मीद है? 50 प्लस की उम्मीद है इसमें। जी, और हमारे देखने वाले को ये भी बताइए कि चूंकि मध्य प्रदेश का ये हरदा जिला है और यहाँ पर हरदा में मंडी भी है। ठीक है, तो अगर हम हरदा जिले में मंडी के भाव की बात करें तो इस बेर जो रेड एप्पल बेर है इसका भाव क्या पिछली बार रहा आपका? या इसका 25 से लेकर 35 रुपए भाव चलता है। जी, तो इसमें सबसे ज्यादा दाम इसका कब मिलता है, स्टार्टिंग में या एंडिंग में सीजन? इसका स्टार्टिंग में मिलता है। जी, और स्टार्टिंग कब होती है? स्टार्टिंग फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी से 35 रुपए 40 रुपए। जी, स्टार्ट हो जाता है इसका भाव स्टार्टिंग में। 15 दिन 20 दिन तक मार्केट में इसका रेट अच्छा चलता है। ठीक है, हमारे किसान मित्र अगर रेड एप्पल वेयर की खेती करना चाहें तो वो इसके पौधे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? इसके पौधे आप कोई भी नर्सरी से, जो अच्छी नर्सरी हो कलकत्ता के, कहीं से भी ले सकते हैं। जी, और पौधे उसी से लो जो पौधा आपको सही दे। जी, कई लोग चूतिया बना देते हैं किसी को भी, ये पौधा है वो पौधा है करके गलत पौधे देते और फिर आने वाले टाइम में वो सामने वाले को बहुत दिक्कत होती है। एक ने मेरे को देखा था कि 1500 झाड़ का पौधे बुलवा के लगा लिया। जी, और बाद में उसको 500 झाड़ रख के बाकी उचका के फेंकना पड़ा, उससे खेत नहीं संभला। जी, इतनी परेशानी पड़ी, जानकारी नहीं। देने वाले वहां से दे देते हैं कि हम पूरी आपको जानकारी देंगे, और जब लेने के बाद वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। आपके पौधे में बीमारी आई तो आपको बतला भी नहीं देंगे कौन सी बीमारी का क्या इलाज करना, नहीं बतलाते। आप परेशान हो जाओगे इसके अंदर, आपको पूरा सीखना पड़ेगा। जब तक आपका साल पूरा बर्बाद हो, एक गलत दवाई पूरा साल बर्बाद कर देती है। जी, यानी कि आप पहले अच्छे से जांचे परखे। अगर आपको बिल्कुल भरोसेमंद कोई नर्सरी वाला व्यक्ति मिले तो ही आप परचेस करें। या फिर ऑलरेडी आपके क्षेत्र में किसी ने पहले लगाया तो उससे पूछ लें, जानकारी ले लें। ठीक है, कौन सा पौधा लगाना है, कौन सी सही वैरायटी है, उससे जानकारी लें तो ही लगाएं। क्योंकि इसकी बीमारी सबसे बड़ी थी, वो कंट्रोल कर लिए तो आपका पौधा ठीक ठाक है। जी जी, और वो एक आपको जरा सी गलती हो गई तो आपका पूरे एक साल की मेहनत जाती, पूरा बगीचा खराब हो जाएगा एक गलत दवाई से। जी, तो अजय भारद्वाज जी, आपने ओवरऑल लगभग पूरी जानकारी किसानों को दे दी है इसकी खेती से संबंधित, बागवानी से संबंधित। लेकिन ऐसी कोई जरूरी जानकारी जो हमारे पूछने में छूट गई है लेकिन आपको बताना ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी है, तो आप हमारे देखने वाले को बता सकते हैं? छोटे किसानों के लिए तो बहुत सही खेती है ये। जी, आप एक एकड़ में उतना, मेरे पास एक एकड़ ही है। जी, एक एकड़ में किसान उतना नहीं कमा सकता जो आप इसमें कमा सकते हैं। जी हाँ, आप एक एकड़ में किसानी करता है व्यक्ति तो मुश्किल से 60-70-80 हजार से ज्यादा नहीं बचा सकता। जी, इसके अंदर आपको तो मान के चलो आपकी 1.5-2 लाख रुपए तो मिनिमम मिल ही जाता है। जी, आपका खेत और अच्छा तैयार है। जी, तो उससे भी ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। जी, आप आराम से लगाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं। जी, अगर हम इस साल ये चौथे साल की बात करें तो इसमें प्रति एकड़ में, एक एकड़ में कितना खर्चा आपको लगने वाला है? एक एकड़ में इसमें लगाने का उस टाइम का खर्च है, उसके बाद आपको सिर्फ साल का
ज्यादा ज्यादा 15 से 20 हजार का खर्चा है जी। दवाई भी ले लें आप, अगर खुद स्वयं करने वाले तो और अच्छी बात है, 15 से 20 हजार में पूरा हो जाएगा जी। किसानी से भी काधी कीमत में हो रहा है और एक ये फसल आपकी 15 से 20 साल तक चलेगी जी। कोई आपको दोबारा बार बार लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हर साल कटिंग करना है। और लकड़ी भी बिकती है इसकी जी, अब लकड़ी भी आप बेच सकते हो, 4-5 हजार की हर साल लकड़ी बिकेगी। अच्छा, यदि हार्वेस्टिंग हम कंप्लीट ले लेते हैं उसके पश्चात जब कटिंग करते हैं उसकी लकड़ी भी हमको, लकड़ी भी बेच सकते हैं जी। और आपको बागुल करना है, किसी खेत की बाउंड्री करना, तो उसके कांटे से बाउंड्री भी हो जाती है जी। तो पूरा हर चीज काम की है इसमें, कोई फेंकने की जो चीज नहीं है। अजय भारद्वाज जी, चूंकि अभी तो फ्लावरिंग चल रही है तो इस समय हार्वेस्टिंग नहीं है, लेकिन जब भी इसकी जनवरी फरवरी में हार्वेस्टिंग होगी और आप ये चौथी बार इसकी हार्वेस्टिंग लेंगे, तो जब हम इसकी तुड़ाई करवाते फलों की, तो तुड़ाई करवाते समय चूंकि ये कांटेदार पौधा है तो क्या इसमें किसी प्रकार की समस्या भी आती होगी? तो आपका जो अनुभव है, यानी कि जब आपका जो प्रैक्टिकली अनुभव है, उसके आधार पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम इसके फल तोड़ते हैं? फल तोड़ते हैं तो सिर्फ जो ऊपर वाली हाइट वाले हैं उनको तोड़ने में समस्या होती है थोड़ी सी जी। तो उसके लिए भी मैंने जुगाड़ बनाया है जी जी जी, वो जुगाड़ भी हम दिखाएंगे जो आपने बनाया है। खड़े खड़े फल टूट जाता है, इतनी परेशानी नहीं होती जी। और जो नीचे का फल है इसमें समस्या नहीं, हाथ में आप ग्लव्स पहन लो, कांटा आपको गड़े नहीं, वैसे ज्यादा गड़ते नहीं है जी। फल तोड़ लो, कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर के में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इसकी हाइट कम रखी जाती है कि ऊपर से ट्रिप कर दे उसको ऊपर से, तो ज्यादा हाइट बढ़ना बंद हो जाए पौधा जी। 10-15 फीट हाइट में कोई परेशानी नहीं होगी जी। तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया हम हमारे देखने वाले को दिखाएंगे। अजय भारद्वाज जी, जो आप जुगाड़ कह रहे थे फलों को तोड़ने के लिए, क्योंकि यदि ज्यादा हाइट पर होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए यही जुगाड़ वही है क्या? जी हाँ जी हाँ, यही जुगाड़ है। इसका क्या नाम दिया वैसे आपने? बस फल तोड़ने की जुगाड़ है। ठीक है, इससे अपन कैसे तोड़ते हैं फल? जहाँ फल लगाए आप इसमें हाँ, फल को खींच लो तो टूट के इसी में रखा जाता है जी, भरा जाता है आपके बाल्टी में, कूल लो जी, पूरा फल इसी से टूट जाता है तो और हाइट भी पहुंच जाता है जी। तो किसान साथियों, बताना चाहूंगा कि ये जुगाड़ है चूंकि ये कांटे वाला पौधा है और चूंकि हाइट भी लेता है, तो यदि हाइट पर अगर कोई फल छूटता है तो आप इस जुगाड़ तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉटल है जो कि लगभग 2 लीटर की एक प्लास्टिक की बॉटल है और आपको मार्केट में कहीं पर भी ये खाली बॉटल आसानी से मिल जाती है। और एक लंबा डंडा है, चाहे आप बांस का ले सकते हैं या कोई और डंडा है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसको टाइट यहाँ से फंसा के रखा है और फंसाने के बाद में ये बॉटल को एक तरफ से काटा गया है, और काटने के बाद जब भी फल तोड़ने की बारी आती है हाइट वाले की, तो इस तरह इसको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं ऐसे, और आसानी से इसको थोड़ा सा खींच लिया जाता है ताकि फल सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार का चोट भी ना लगे, यानी फूटे नहीं, और उसकी क्वालिटी भी बनी रहे। अजय भारद्वाज जी, ये जो पौधे हैं आपने, कितने पौधे लगाए हैं? ये तो मैंने स्टार्टिंग में 500 पौधे लगाए थे जी। 500 पौधे मगर मुझे बहुत दिक्कत हुई तो मैंने पौधे कम करके अब ये 230 पौधे करीब में है जी। तो जो पौधे हैं, अगर एक एकड़ में कोई किसान लगाना चाहता है तो एक एकड़ में अगर हम 15x20 का डिस्टेंस रखते हैं तो कितने पौधे लगेंगे? 15x20 का डिस्टेंस रखते हैं तो कम से कम पौधे आपको 450-400 पौधे लगेंगे जी। तो ठीक है किसान साथियों, फिर चॉइस आपकी है। वैसे तो आप 10x8 पे भी लगा सकते हैं, 10x12 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिकली अनुभव है, ये इनको 4 साल हो चुके हैं रेड एप्पल वेयर की खेती करते हुए, तो अगर आप इतने पास पास लगाएंगे 10x10 या 10x8 में, तो कहीं ना कहीं जो लेबर आएगी इसकी हार्वेस्टिंग के लिए तो उस समय भी बड़ी दिक्कत होगी, प्लस जब आप इसमें दवाओं का स्प्रे करेंगे ठीक है, या कुछ अंदर थोड़ा छोटा बड़ा काम रहेगा तो आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पूरा एकदम कंजस्टेड हो जाएगा। साथ ही इसमें जो धूप है, तो धूप क्या है कि प्रति पौधे को अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग डाउन रहेगी। तो डिस्टेंस आप वैसे 15 से 20 फीट का रखते हैं या 15x15 का रखते हैं तो ये सबसे अच्छा है। और आप ये देख ही सकते हैं, ये चौथा साल चल रहा है और इनका जो तजुर्बा जो अनुभव कहता है, तो अगर आपको लगता है तो आप इस अनुभव का पालन कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा पौधे लगाना है लेकिन उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कम होगी, तो आप वो दूरी भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दूरी रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर हम पौधे खरीदते हैं तो पौधे चूंकि महंगे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा सा आपका पैसा बच जाएगा, प्लस दवाओं का स्प्रे भी आपको कम करना पड़ेगा, प्लस जो हार्वेस्टिंग है, जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और मैं इसमें जानना चाहूँगा कि अगर हमारे किसान मित्र आपको रेड एप्पल वेयर की खेती से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहें, आपसे बात करना चाहें या संपर्क करना चाहें,
तो उसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर क्या उन्हें बता सकते हैं? जी हाँ बता सकते हैं। जी बताइए मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 8103592695। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दीजिए। 8103592695। जी, और ये भी बता दीजिए कि इस नंबर पर कब से कब तक, यानी कितनी बजे से कितनी बजे तक कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको भी सही लगे, उन्हें भी बात करने में सही लगे। इस नंबर पर आप एनी टाइम कभी भी फोन कर सकते हैं, शाम के 8 बजे तक, सुबह से 8 बजे तक जी आपको जवाब दिया जाएगा, कोई भी समस्या आती है तो। जी जी, तो ठीक है किसान साथियों, हमारे अजय भारद्वाज जी ने आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक पहलू पर बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारी दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा यानी हमारे किसान मित्र के द्वारा दी गई जानकारी आपकी इस रेड एप्पल वेयर की बागवानी में कहीं ना कहीं उपयोगी जरूर होगी, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई जगह पर नई वीडियो के साथ, और आपको बताना चाहूँगा कि जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी उस समय भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।